पेश है इस बुलेटिन में राजस्थान की बड़ी खबरें। हम आपके लिए इस बुलेटिन में लेकर आए हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की प्रमुख खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर प्रमुख खबरों पर। स्थानीय स्तर पर विकास कार्य नहीं होने के असंतुष्ट विधायकों के दावे को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को यहां कहा कि इन विधायकों ने इस तरह की कोई शिकायत कभी उनसे नहीं की। गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उन सब असंतुष्ट विधायकों के यहां काम ज्यादा हो रहे थे, जो विधायक गए हैं उनकी काम को लेकर कोई शिकायत थी ही नहीं, क्योंकि अब वे बाड़ाबंदी में वहां बैठे हैं तो कह रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे थे और हम असंतुष्ट थे। गहलोत ने कहा कि आज तक कोई शिकायत उन्होंने की ही नहीं बल्कि तारीफ की, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंस में हो या निजी तौर पर मुलाकात में, उनकी कोई शिकायत नहीं थी और अब शिकायतें पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के अनेक राज्यों को प्रभावित करने वाले टिड्डी हमले को सोमवार को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि टिड्डी प्रकोप एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, जिस पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि इस वर्ष राज्य में 11 अप्रैल से टिड्डियां आनी शुरू हुई है और 33 में से 32 जिले इसके प्रकोप से प्रभावित हुए। इस वर्ष राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी टिड्डियों का प्रकोप हुआ है। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच कांग्रेस व उसके समर्थक विधायकों को जयपुर से यहाँ जैसलमेर लाकर एक निजी होटल में ठहराया गया। होटल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। मंत्री ममता भूपेश सहित अन्य विधायकों शकुंतला रावत, गंगा देवी आदि ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और उन्हें मिठाई खिलाई। इन विधायकों ने होटल में ठहरे संयम लोढ़ा और अन्य विधायकों को भी राखी बांधी। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन MT2 की मौत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख जताया। उन्होंने 15 दिन के भीतर दो बाघों की मौत को संवेदनशील विषय बताते हुए स्थिति की समीक्षा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की उच्च स्तरीय टीम से करवाने की बात कही है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गत 23 जुलाई को बाघ MT3 की मौत के समाचार से अभी हम उबरे ही नहीं थे कि बाघिन MT2 की मौत होना चिंताजनक है। राजस्थान सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत टाइड फंड की 965 करोड़ रुपए की पहली किस्त पंचायती राज संस्थाओं के खातों में हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। कुल 965 करोड़ रुपए में से 424 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों, 193 करोड़ रुपए पंचायत समितियों और शेष 48 करोड़ रुपए जिला परिषदों के अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। वित्त आयोग के नए नियमों के अनुसार इस राशि में से आधी राशि पेयजल और स्वच्छता के कार्यों पर खर्च करना जरूरी होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सीनियर रेजिडेंट के इंटरव्यू में प्रार्थी को शामिल करने का निर्देश देते हुए प्रमुख चिकित्सा सचिव, निदेशक व अतिरिक्त चिकित्सा निदेशक से जवाब मांगा है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा ने याचिका में कहा कि उनसे SMS मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल से रेस्पिरेटरी मेडिसिन में MD PG के बाद सीनियर रेजिडेंट पद पर नियुक्ति के लिए NOC का आवेदन किया। NOC जारी नहीं होने से वह कई मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर पा रहा है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने याचिकाकर्ता को सीनियर रेजिडेंट पद के इंटरव्यू में शामिल करने का अंतरिम निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। एम्स से पहुंची टीम ने गजेंद्र सिंह शेखावत का कोरोना टेस्ट किया था और शेखावत के साथ ही उनके परिवार और पूरे स्टाफ की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। शेखावत हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शेखावत ने स्वयं अपने परिवार समेत और स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट करवाया था। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के भादरा पुलिस सर्किट के पुलिस अधिकारियों की कार्यकारिणी के खिलाफ पिछले 20 दिनों से कई लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। यह विरोध जिले के छानी बड़ी गांव में लगातार जारी है। अनशनकारियों में से एक अनशनकारी अंजनी बंसल ने आज खुद के हाथ पैरों को जंजीर से जकड़कर ताला लगा लिया। अंजनी बंसल और अन्य अनशनकारी पिछले 20 दिनों से पुलिस कार्यकारिणी के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। अनशनकारियों का आरोप है कि भादरा सर्किल के थानों भादरा और खासकर भिरारी में पुलिस की अपराधियों से साठगांठ है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की।
श्रीगंगानगर में झोला छाप एक कथित चिकित्सक ने बीमार हुए एक युवक को भर्ती कर लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर युवक को लेकर दो निजी अस्पतालों में पहुंचा, लेकिन युवक की मौत हो गई। युवक के दम तोड़ने के बाद आरएमपी मौके से फरार हो गया। युवक के शव को जिला अस्पताल के मुर्दा घर में रखवाया गया। कोतवाली पुलिस ने सेतिया कॉलोनी स्थित राधा स्वामी क्लिनिक के संचालक पर लापरवाही से युवक की मौत के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। एसआई सुरजीत सिंह ने बताया कि मृतक 24 वर्षीय शुभम निवासी तुलसी कॉलोनी का था और उसके भाई राहुल ने यह रिपोर्ट दी। श्रीगंगानगर भाजपा जिला मंत्री अंजू सैनी ने इस बार भी रक्षाबंधन पर फौजी भाई बहनों के रक्षा सूत्र बांधकर मुंह मीठा करवाया। कोरोना काल की वजह से गाइडलाइन की पालना की गई और सभी ने मास्क लगाया और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी। निशा सोनी, सीमा गुप्ता, गौरव सैनी और बीएसएफ के जवान कंपनी कमांडेंट परमवीर सिंह उपस्थित थे। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने यहां कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार लालगढ़ व सालू शहर पुलिस थाना का निरीक्षण किया। पुलिस कप्तान ने लालगढ़ थाना प्रभारी कश्यप सिंह व सालू शहर थाना प्रभारी बलवंत राय को जुआ सट्टा व अवैध शराब बेचने वालों पर प्रभारी कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने सादुल शहर SHO को निर्देश दिए कि पंजाब बॉर्डर बेहद सतर्कता बरती जाए, पंजाब से आने वाले वाहनों की जांच पड़ताल के बाद ही प्रवेश दिया जाए। उन्होंने सादुल शहर से लगती पंजाब सीमा का भी निरीक्षण करके दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर सदर पुलिस थाना क्षेत्र में साथी छोटी में रहने वाले युवती को एक युवक बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। पुलिस के अनुसार युवती की मां की रिपोर्ट पर रमन नामक युवक पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि परिजनों ने युवती की काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। श्रीगंगानगर में कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के एल ब्लॉक में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार 43 एल ब्लॉक निवासी आदर्श अग्रवाल ने रिपोर्ट दी कि इसका हीरो होंडा बाइक घर के बाहर से कोई चुरा कर ले गया। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ मार्ग स्थित रिद्धि सिद्धि प्रथम के नागरिकों ने बिजली आपूर्ति में आ रहे व्यवधान पर गहरा रोष व्यक्त किया। कॉलोनी वासियों ने रिद्धि सिद्धि कार्यालय में जाकर समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। विद्युत निगम के अभियंता मौके पर उपस्थित थे। मंगलवार को कॉलोनी वासी निगम के अधीक्षण अभियंता को उनके कार्यालय में जाकर ज्ञापन देंगे। श्रीगंगानगर की घरसाना पुलिस ने गश्त के दौरान बाइक सवार दो भाइयों को पोस्ट सहित गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ NDPC एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी रामचंद कसवा ने बताया कि गांव 1 ML निवासी कालूराम उर्फ सुभाष व उसके भाई राजकुमार को 7 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया और दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जाँच अनूपगढ़ थाना प्रभारी रामू राम को सौंपी गयी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।